नमस्कार दोस्तों, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। सो दिस इज पार्ट 18, जिसमें कि हम लोग 19th सेंचुरी को कवर कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग सभी जानते ही हो कि मैं द राउटलेज हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर इन इंग्लिश, ब्रिटेन एंड आयरलैंड को कवर करा रही हूँ इन द फॉर्म ऑफ MCQs। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो नेट, सेट, CVT, PG, DSSSB, GATE, TGT, PGT वगैरह वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, थीके? तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक छोटा सा इंट्रो आप लोगों के लिए, मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो 19th सेंचुरी थी इसको हम विक्टोरियन पीरियड के नाम से जानते हैं। ठीक है, 1837 में क्वीन विक्टोरिया को क्वीन बनाया गया था इंग्लैंड का। ठीक है, एट द एज ऑफ 18, 18 साल की उम्र में ही उनको इंग्लैंड का क्वीन बना दिया गया था। ठीक है, पॉइंट नंबर वन, इस टाइम पे नॉवेल्स बहुत ज्यादा फेमस हो रहे थे। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड का पॉपुलर जॉनरा है नॉवेल। ओके, एंड ये हमारा टाइम पीरियड चला था 1837 टू 1900 वन। ठीक है, एंड 1901 के बाद से हम लोग मॉडर्न पीरियड के नाम से एज को जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम लोग 19th सेंचुरी को कवर करेंगे। होप ये सारे पॉइंट्स आप लोगों ने समझ लिए होंगे। चलिए अब क्वेश्चंस पे आते हैं। सो द 19th सेंचुरी, दिस इज आवर टॉपिक एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु बिकेम द इम्प्रेस ऑफ इंडिया इन द विक्टोरियन एज। सो ऑफ कोर्स शी इज विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया। ओके, नेक्स्ट, व्हेन डिड क्वीन विक्टोरिया कम टू द थ्रोन? सो इट्स 1837, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, पीछे की स्लाइड में मैंने आपको बताया 1837 में इनको थ्रोन पे लाया गया था। ठीक है, 1901 तक क्वीन विक्टोरियन एज के हम के नाम से हम लोग जानेंगे। ठीक है, 1837 टू 1901, इस डेट को दिमाग में फिट कर लो, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि विक्टोरियन एज का टाइम पीरियड क्या था। आप लोगों को ऑप्शन दे दिए जाएंगे एंड आप लोगों को आइडेंटिफाई करना होगा। 2023 में CVT PG में ऐसे ही एक पूछा गया था, आई गेस शायद वो ऑगस्टिन एज था, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, बट वो एज का टाइम पीरियड को पूछा गया था। ठीक है, तो प्लीज ध्यान दिया करना ये सब चीज में। नेक्स्ट, व्हाट वॉज द पॉपुलेशन ऑफ लंडन एट क्वीन विक्टोरियाज डेथ इन 1901? सो 6.5 मिलियन। ठीक है, क्वीन विक्टोरिया की डेथ हो जाती है 1901 में, इनकी डेथ के साथ ही क्वीन विक्टोरिया का जो एज है वो खत्म हो जाता है। उसके बाद हमारा मॉडर्न पीरियड स्टार्ट होगा, देन फिर पोस्ट मॉडर्न आएगा। ठीक है, वॉट सिग्निफिकेंट चेंज कैरेक्टराइज द विक्टोरियन एज? सो द ट्रांजिशन टू अ मॉडर्न अर्बन इकोनॉमी। ओके, इस टाइम पे बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज खुल गए थे, स्टीम इंजन का आविष्कार हो गया था, तो लोग बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे थे, पर तरक्की के साथ साथ बहुत सारे लोगों में अब जॉब की कमी हो गई थी, बहुत सारे लोग पॉवर्टी की तरफ ज्यादा जा रहे थे। यही सब चीज से परेशान होके चार्ल्स डिकेंस जैसे नॉवेलिस्ट ने बहुत सारी ऐसी नॉवेल्स लिखी है जो आपकी आंखें खोल देंगी। उस टाइम पीरियड में क्या चल रहा था वो बहुत ही अच्छी तरह से अपने नॉवेल्स में पोर्ट्रे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट वाज वन ऑफ द मेजर इन्वेंशंस ड्यूरिंग द रेन दैट हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट? जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस स्लाइड में बताया, स्टीम पावर। ठीक है, स्टीम पावर का इन्वेंशन हो गया था क्वीन विक्टोरिया के रेन में, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ा था। ठीक है, हु रोट द नॉवेल साइबिल विच एड्रेस द सोशल इशू कंसर्न एंड रिफॉर्म? सो बेंजामिन डिसरेल। ठीक है, इन्होंने साइबिल नाम की एक नॉवेल लिखी थी जो कि एड्रेस करती है सोशल कंसर्न एंड रिफॉर्म्स को। राइट, नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द पैराडॉक्स ऑफ द विक्टोरियन एज इन्वॉल्विंग नेशनल सक्सेस एंड एक्सप्लोटेशन? सो विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज।
ओके नेक्स्ट, विच इवेंट इन 1819 बिकेम द सब्जेक्ट ऑफ वन ऑफ द शेलीज मोस्ट विरुलेंट सटायर्स. सो द पीटरलू मैसेकर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी. विच नॉवल बाय सर वॉल्टर स्कॉट हैड अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन 19th सेंचुरी लिटरेचर. सो वॉल्टर स्कॉट का जो वेवरली है ये बहुत ही ज्यादा फेमस नॉवल है इनका, एंड इस नॉवल का जो इन्फ्लुएंस था वो काफी ज्यादा पड़ा था 19th सेंचुरी के लिटरेचर में. ठीक है, नेक्स्ट, वॉट सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल इवेंट हैपेंड इन 1832 दैट इन्फ्लुएंस द वर्किंग क्लास चार्टिस्ट मूवमेंट. सो द फर्स्ट रिफॉर्म बिल. ओके, सो हमारा दूसरा सब टॉपिक है डिकेंस, चार्ल्स डिकेंस, राइट. सो विच वर्क फर्स्ट एस्टैब्लिश डिकेंस एज अ कॉमिक नॉवेलिस्ट. सो द पिकविक पेपर्स. ठीक है, नेक्स्ट, वॉट सोशल इश्यू डज ऑलिवर ट्विस्ट प्राइमरली हाईलाइट. सो पुअर सिटी चिल्ड्रेन एंड द वर्कहाउस सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट, विच कैरेक्टर, डब्ल्यू इज मिसिंग हियर, विच कैरेक्टर इन ऑलिवर ट्विस्ट आस्क्स द वर्कहाउस मास्टर फॉर मोर फूड. सो ऑलिवर, ये आप लोग पढ़िएगा, बहुत ही ज्यादा एकदम इमोशनल नॉवेल है. ठीक है, अगर कोई भी ज्यादा फूड मांग लेता था, या फिर अगर किसी को एक रोटी मिल रही है, अगर उसका पेट उसमें नहीं भर रहा है, तो अगर वो दो रोटी मांग लेता था तो उसको बहुत ही खराब तरीके से पनिश किया जाता था. ठीक है, सो यहाँ पे ऑलिवर ट्विस्ट जो है वो अपने मास्टर से थोड़ा और फूड मांग लेता है, उसके बाद उसको पनिश किया जाता है. ठीक है, तो आप उस टाइम की हालत देख ही सकते हो. इन विच नॉवेल डज द कैरेक्टर लिटिल नील अपियर. सो द ओल्ड क्यूरोसिटी शॉप, एंड दिस वन ऑल्सो इज द क्वेश्चन ऑफ सीयूईटी आई गेस, एंड कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन तो मस्ट है, और डिकेंस के कैरेक्टर्स तो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. डिकेंस जो ऐसे नॉवेलिस्ट हैं कि वो विक्टोरियन एरा में पूरे छाए हुए थे, एंड उनके जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ही बहुत ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. एंड आप लोगों को मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि इनका जो भी इम्पोर्टेंट वर्क्स है उसकी समरी को एक बार गो थ्रू कर लो, डेट्स देख लो. एज यूजुअल मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट, विच नॉवल इज डिस्क्राइब्ड एज सेमी ऑटोबायोग्राफिकल एंड मार्क्स अ पॉइंट ऑफ डिकेंस फर्स्ट फेज ऑफ राइटिंग. सो डेविड कॉपरफील्ड. ओके, ये इनका सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है. बहुत सारे बैचलर्स कोर्सेज में ये रिकमेंड किया जाता है स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए. आई डोंट नो कि आप में से कितने ने इसे पढ़ा है, बट सजेस्ट करूंगी कि प्लीज पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है. What theme does hard times critique through the character of Mr. Gradgrind? So the dehumanization aspect of the industrial revolution. Okay, next. Which novel features the character Miss Havisham and explores themes of disappointment and disillusionment? So Great Expectations is the correct answer. What significant event in 1850 caused a sense of doubt Britain's self-esteem? So, the Crimean War. What is the significance of Charles Darwin's On the Origin of Species to the Victorian Era? क्या था उनके work On the Origin of Species का impact या significance? So the it undermined religious beliefs and introduced the concept of natural selection. ठीक है, जैसे कि लोग अगर पहले बोल रहे हैं कि धरती गोल है, as an example, ठीक है, लोग पहले क्या सोचते थे कि धरती जो है वो फ्लैट है, लोग अगर शिप से जा रहे हैं तो वो सीधा गिर जाएंगे. ठीक है, बट बहुत सारी स्टडीज के बाद ये पता चला कि धरती जो है वो गोल है. वैसे ही ओरिजिन ऑफ स्पीसीज आई थी कि कैसे जो जीव जंतु प्राणी वो कैसे बन रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नेचुरल फैक्टर इन्वॉल्व है. तो ये सारी चीजें
जो है चार्ल्स डार्विन ने अपनी इस किताब में लिखी और इस किताब ने लोगों की आंखें खोल दी। ठीक है, नेक्स्ट। हु कमेंटेड दैट वन मस्ट हैव अ हार्ट टू स्टोन टू रीड द डेथ ऑफ लिटिल नील विदाउट लाफिंग। सो ऑस्कर वाइल्ड ने बोला था कि लिटिल नील का जो कैरेक्टर है उसको पढ़ना है अगर, तो आपके पास एक पत्थर का दिल होना चाहिए। ठीक है, विक्टोरियन थॉट एंड विक्टोरियन नॉवेल्स। सो हु वॉज द बिगेस्ट सेलिंग हिस्टोरिकल नॉवेलिस्ट आफ्टर सर वॉल्टर स्कॉट बाई 1841। सो हैरिसन एन्सवर्थ। ओके, ही वॉज द हिस्टोरिकल नॉवेलिस्ट आफ्टर वॉल्टर स्कॉट। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि सर वॉल्टर स्कॉट का नाम आए यानी कि हिस्टोरिकल नॉवेल। ठीक है, बट यहाँ उनके बाद हैरिसन एन्सवर्थ का नाम आता है एज द बिगेस्ट सेलिंग हिस्टोरिकल नॉवेलिस्ट। बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता होगी, बट दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज मार्क इट डाउन। एंड आई होप आप लोग कॉपी पेन के साथ बैठे होंगे एंड जो भी मैं बोल रही हूँ उसको नोट कर रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट। विच नॉवेल बाई हैरिसन एन्सवर्थ फीचर्स द मिथिकल फिगर डिक ट्रम्पिन टर्पिन। सो रूक वुड। विच विक्टोरियन ऑथर वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाई थॉमस कार्ले राइटिंग्स। सो चार्ल्स डिकेंस। नेक्स्ट, वॉट इज वन ऑफ द मेजर थीम्स इन कार्लिस पास्ट एंड प्रेजेंट। सो द कंडीशन ऑफ द वर्किंग क्लास, दिस वन इज द मेजर थीम इन हिज वर्क पास्ट एंड प्रेजेंट। ओके, जॉर्ज इलियट ट्रांसलेटेड विच इन्फ्लुएंशियल वर्क इन 1846। सो लाइफ ऑफ जीसस बाय डेविड फ्राइडरिक स्टारस। हु ऑथर द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड पब्लिश बिटवीन 1849 एंड 1855। सो थॉमस बैबिंगटन मैकाउली। विच नॉवेल बाई चार्ल्स किंग्सले इज अ पैट्रियोटिक स्टेटमेंट रीवोकिंग द एलिजाबेथन एज। सो वेस्टवर्ड हो इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एंथनी ट्रोलॉप्स नॉवेल सेट इन आयरलैंड। सो द लैंड लीगर्स। विच नॉवेल बाई विलियम मैकपीस गिव्स एन अनयूजुअल परस्पेक्टिव ऑन द नेपोलियनिक वॉर। सो वैनिटी फेयर। हु इज द ऑथर ऑफ सेल्फ हेल्प फर्स्ट पब्लिश इन 1859। सो सैमुअल स्माइल्स। नेक्स्ट, विच कैरेक्टर इज अ फाइनेंसियर इन एंथनी ट्रोलॉप्स द वे वी लीव नाउ। सो अगस्टस मेलमॉट। Which of George Meredith's work is considered one of the first psychological love poems? So, Modern Love is the correct answer. Okay, next. In which series of novels does Anthony Trollope explores the national political stage? The Palliser novels. Okay, next. So, here our next subtopic is the Bronte and Elliot. सो हु रोट जेन एयर, एज यू ऑल नो शार्लेट ब्रॉन्टे, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क बाई शार्लेट ब्रॉन्टे। प्लीज गो थ्रू इट समरी क्योंकि दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, इसी साल सीयूईटी पीजी में इसका समरी बेस्ड क्वेश्चन आ गया था। आपको पॉइंट्स दिए गए थे इवेंट्स के कि ये इवेंट्स कब हुआ था और आपको क्रोनोलॉजिकली उसको सेट करके लिखना था। ठीक है, ऑप्शंस दिए गए थे ए बी सी डी लाइक ऐसे करके, तो आप लोगों को बताना है कि डी इवेंट पहले हुआ था या बी हुआ था या सी हुआ था ऐसे करके। ठीक है, तो जेन आयर जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नॉवेल है। प्लीज़ 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 आप लोग इसको एक बार जाके अच्छे से चेकआउट कर लेना। नेक्स्ट, वॉट इज द नेरेटिव स्ट्रक्चर ऑफ एमिलीज ब्रॉन्टे वुदरिंग हाइट। सो साइक्लिकल। ठीक है, एमिली ब्रॉन्टे का जो वुदरिंग हाइट है इसका नैरेटिव स्ट्रक्चर क्या है? लीनियर नहीं है, एपिसोडिक नहीं है, फ्रैगमेंटेड भी नहीं है, इट इज साइक्लिकल। एंड साइक्लिकल का मतलब होता है कि एक स्टोरी सेम प्लेस पर जहाँ से वो बिगिन हुई है, ठीक है, जहाँ से वो बिगिन हुई है वहीं पर वो कॉमनली एंड भी होती है।
यहाँ से अगर स्टोरी इस जगह से शुरू हो रही है, जैसे मान लो ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया में आप लोग का अगर ये पटना है, ठीक है, ये पटना है, पटना में आप लोगों को कहीं पे अगर लाइक यहाँ पे आप लोग का कोई घर है, ठीक है, तो यहाँ से अगर इस स्पॉट से अगर स्टोरी शुरू हो रही है, तो स्टोरी की जो एंडिंग है वो भी इसी स्पॉट पे होगी खत्म, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड साइक्लिकल, एंड एमिली ब्रॉन्टे ने अप्लाई किया था दिस नरेटिव स्ट्रक्चर इन हर नॉवल वुदरिंग हाइट्स। सो आई गेस आप लोगों को बात क्लियर होगी, ठीक है। नेक्स्ट, विच नॉवल इज डिस्क्राइब्ड एज बिल्डंग्स रोमन इन द टेक्स्ट? सो जेन आयर, ठीक है, जेन आयर को हम लोग बिल्डंग्स रोमन इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप लोग देखेंगे इसमें कैरेक्टर का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें कि एक जो कैरेक्टर है उसका डेवलपमेंट होता है, उसकी स्कूलिंग दिखाई जाती है, फिर उसकी शादी दिखाई जाती है। तो बिल्डंग्स रोमन का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट या फिर यू का बहुत ही ज्यादा फेमस एग्जाम्पल है हमारी हैरी पॉटर। उसमें आप लोग क्या देखते हैं, हैरी पॉटर बच्चा रहता है, फिर वो जाता है, फिर वो पढ़ता है, जैसे जैसे उस कैरेक्टर का डेवलपमेंट होता रहता है फिजिकली मेंटली, उसको हम लोग बिल्डिंग्स रोमन में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। सो जेन आयर इज द बिल्डिंग्स रोमन टेक्स्ट, ओके। नेक्स्ट, विच नॉवल फीचर्स द कैरेक्टर डोरिथिया ब्रूक? सो मिडिल मार्च, एंड मिडिल मार्च इज रिटन बाय जॉर्ज इलियट, ओके। जॉर्ज इलियट जो थी हमारी वो फीमेल नॉवेलिस्ट थी, बट उन्होंने मेल का नाम अपना पेन नेम रखा, ठीक है, ताकि वो जो भी क्रिटिसिज्म होता है वो सबको अवॉइड कर पाए। वो यही सब वजह से उन्होंने अपना नाम जॉर्ज इलियट रखा है, एंड उनका जो रियल नाम है वो है मैरी एन इवांस, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द की थीम इन एनी ए ब्रॉन्टेज द टेनेंट ऑफ वाइल्डफील हॉल? सो द अनहैप्पी मैरिज एंड सर्च फॉर फ्रीडम। सो द टेनेंट ऑफ वाइल्डफील हॉल का जो थीम है वो है अनहैप्पी मैरिज एंड सर्च फॉर फ्रीडम, एंड दिस नॉवेल इज रिटन बाई एन ब्रॉन्टे। एन ब्रॉन्टे वॉज द सिस्टर ऑफ शार्लट ब्रॉन्टे, ओके। नेक्स्ट, विच ब्रॉन्टे सिस्टर रोट ओनली वन नॉवेल वुदरिंग हाइट्स? सो शी इज एमिली ब्रॉन्टे। इन्होंने बस एक नॉवेल लिखी है अपनी लाइफ में, वो है वुदरिंग हाइट्स, ठीक है। और ये नॉवेल इनकी बहुत ही ज्यादा फेमस नॉवेल है, एंड इनके कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं सीवीटी पीजी 2024 में, इसी साल वुदरिंग हाइट्स से कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन आया था, ठीक है। नेक्स्ट, सॉरी, इन विच जॉर्ज इलियट्स नॉवेल डज अ माइजरली सोशल आउटकास्ट गेट ट्रांसफॉर्म्ड बाय एन ऑर्फन चाइल्ड? सो सिलास मैरिनर, ओके। नेक्स्ट, विच नॉवेल बाय जॉर्ज इलियट इज कंसिडर्ड हर मोस्ट हिस्टोरिकली रिसर्च्ड वर्क? सो रोमोला, ओके। आप लोगों को इसके कैरेक्टर को गो थ्रू कर लेना है, पब्लिशिंग डेट्स देख लेनी है, ठीक है। अदर लेडी नॉवेलिस्ट के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा कि और कौन कौन सी नॉवेलिस्ट थी। सो हु रोट डोमेस्टिक मैनर्स ऑफ द अमेरिकन्स? सो एफ फ्रांसिस ट्रोलॉप, ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज मिस्टर मिसेस क्रेक्स बेस्ट रिमेम्बर फॉर? जॉन हेलिफैक्स जेंटलमैन, ओके। विच ऑथर रोट द सीरीज ऑफ क्रॉनिकल्स ऑफ कार्लिंगफोर्ड? सो मिसेस ऑलिफेंट, ओके। हु इज द ऑथर ऑफ लेडीज ऑडले लेडी ऑडले सीक्रेट? सो मैरी एलिजाबेथ ब्राडन। विच नॉवेल बाय मिसेस हेनरी वुड इज नोन एज अ फर्स्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल वर्क? सो लास्ट ईस्ट नाइन, ओके। हु रोट द रीबल ऑफ द फैमिली? सो एलिजा लीन लिंटन। विच वर्क बाय मिसेस हम्फ्री वर्ड इज नोटेड फॉर इट्स हाई मोरल पर्पस? सो हेलबेक बैनिश डेल, ओके। नेक्स्ट, वॉट थीम इज कॉमनली फाउंड इन हेनरी वुड्स नॉवल?
सोशल अवेयरनेस। विच ऑथर इज एसोसिएटेड विद द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट? सो मिसेस हम्फ्री वॉट, हु रोट द गर्ल ऑफ द पीरियड? सो एलिजा लिन लिंटन। सो जो भी मैंने आपको आज क्वेश्चंस कराए हैं वो सारे के सारे बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज उसको जाके एक बार गो थ्रू कर लेना, अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, जिसमें भी आपको ज्यादा सुविधा हो आप वो कर सकते हो, ठीक है? एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। एंड प्लीज मुझे अगर कोई भी गलती लाइक प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स, जैसा कि मैं हमेशा कर ही देती हूँ, हर बड़ी में बोल देती हूँ, वो सारी मिस्टेक्स को प्लीज अवॉइड करना एंड मुझे माफ करना। अगर और भी कोई बात अगर पसंद नहीं आई होगी तो, एंड अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो ऑब्वियसली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक दो वीडियो और आएंगी 19th सेंचुरी को कवर करने के लिए, क्योंकि 19th सेंचुरी इट्सेल्फ अ वेरी वास्ट टॉपिक, ठीक है? तो हम लोग 2-3 वीडियो में इसको कवर कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग मॉडर्न पीरियड को स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए गुड बाय। एंड हाँ, सब्सक्राइब कर दिया करो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।